आप सबको बधाई। और इस प्रकार से बातें हुई, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बात की है 700 बिस्तर अस्पताल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, कहाँ से मिला होगा। और जो मेडिकल कॉलेज हीरक जयंती के अवसर पर 60 साल पहले के जो शुरुआत हुई उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बात की कि 7 साल का सफर किस प्रकार से रहा, कितने छात्र थे, कितने बेड थे, उसके बारे में बता दिया, उसके बारे में करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को इस युग में कदम से कदम मिला के चलना है, तो हमको जिन चीजों की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। 5 साल के बारे में आदरणीय महाराज साहब ने बहुत विस्तार से आपको चर्चा की, हालांकि 60 में था विस्तार से नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जरूर थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था जहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में, वो हमारा उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ में सबको भैया तब भी विधायक थे वहां से मध्य प्रदेश में। बरसात के दिनों आते थे तो हमारा ध्यान आकर्षण या स्थगन लगता था कि बस्तर या सरगुजा में डायरिया से मलेरिया की कई लोगों के मौत हुई है, वहां से यहाँ से ध्यान आकर्षण या स्थगन विधानसभा में बताया जाता है, सबको भैया सुना है ना। लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो गई, मलेरिया उन्मूलन बस्तर से हमने शुरुआत की और पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाया। और आज एक अत्यंत संतोष हो रहा है कि जो पहले जो मलेरिया के जो परसेंटेज थे उसमें बहुत कमी आ गई। उसी प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे लोग ग्रसित होते थे और बाद में इलाज नहीं मिलने के कारण से वो रोग बढ़ जाता था, और तब मैं कह रहा या प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा दबाव रहता था। आज निचले स्तर से हाट बाजार क्लिनिक योजना से शुरू करके शहरी स्वास्थ्य केंद्र योजना, इनके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे जो जांच वहीं से मिलना शुरू हो जाता है, और बड़ी बीमारियों की जानकारी वहां से हो जाती है, तत्काल रिफर हो जाता है। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि उन बीमारियों में भी अब नियंत्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में होने लगा है। आप देखेंगे कि किसी भी संस्था हो, किसी भी व्यक्ति हो, उसके जो परीक्षा है वो तब तब माना जाता है जब संकट के समय उसका व्यवहार किस प्रकार से रहता है, संकट किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। तो मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर हैं, नर्स है, पुलिस स्टाफ है, वैश्विक महामारी के समय में जब सारे लोग हाथ उठा देते, पूरे देश में स्थिति ये थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लिए सड़कों में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने और डॉक्टरों ने और दूसरे विभागों ने, उसमें नगरीय प्रशासन भी कर सकता हूँ, पंचायत विभाग भी कर सकता हूँ, इन सब लोगों ने जो काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। और ऐसे महामारी के बारे में किसी की जानकारी नहीं, तब उसका सामना करना, किस प्रकार से सामना करना, ये हमारे चाहे वो मैं कह रहा तो बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, हमारे ब्लॉक के अस्पताल हैं, और हमारे और निदानी लोगों ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी। तो किसी भी संकट से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य टीम है पूरी तरह से तैयार है। तो आज गुजरात में विशेष अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आप लोगों ने चाहे संस्थागत प्रसव की बात करें, चाहे और दूसरी बात करें, उसमें बड़ी सफलता आप सबने हासिल की। डॉक्टरों की भर्ती हो, स्टाफ की भर्ती हो, उसमें भी पूरा किया। पहले जिला अस्पतालों में जाँच नहीं होती थी, आप 10 से लेकर 70 प्रकार की जाँच निःशुल्क करा रहे हैं, इलाज भी मुफ्त हो रहा है, दवाइयाँ भी पर्याप्त मिल रहा है। पिछली सरकार में तो आँख में दवाई डालते थे तो आँख खराब हो जाता था, नसबंदी करते थे मौत हो जाती थी। कम से कम इन 5 वर्षों में इस प्रकार से दाग छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगा, ये अपने आप में बड़ी लगातार उपलब्ध किया जा रहा है और उसका लाभ भी हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो किस प्रकार से दवाई, किस प्रकार से इलाज आम जनता को मिल सके, ये कोशिश। और आईसीयू के बारे में मैडम ने बताया कि 4 आईसीयू कितने और आप कितना है आईसीयू हमारे बढ़ गए,
डायलिसिस नहीं होते थे, डायलिसिस होने लगे। 26 अस्पताल है यहाँ डायलिसिस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने किया। और इन 5 वर्षों में जो शासकीय अस्पतालों के विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई है, वो आप सबकी मेहनत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गुप्ता ने कही है, तो ये तो स्थिति ये है कि चुनाव नजदीक आ चुका है। आचार संहिता, मैं समझता हूँ कि आज से 1 महीने पहले हम सब आचार संहिता के तौर से गुजर रहे होंगे, ज्यादा दिन बचा नहीं। लेकिन मांग एक ऐसी चीज है जो कभी गर्म होती नहीं। आचार संहिता पहले भी होगी, आचार संहिता के बाद भी होगी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, तो वो क्रम चलता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी नियमत है जो सबको मिलना चाहिए और सबका स्वास्थ्य उत्तम हो।